अखंड दर्पण न्यूज में आपका स्वागत है। गुरुवार की रात दहरिया दादा ढाबे पर हथियार बंद बदमाशों ने नग्न तांडव किया। ढाबा संचालक अनुपम सिंह एवं उनके नौकरों से मारपीट किया, कई राउंड गोलियां चलाई जिसमें ढाबा संचालक अनुपम सिंह का हाथ टूट गया एवं उनका नौकर रमेश मोनू एवं रमेश निवासी सुवंसा गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी को जिला चिकित्सालय जौनपुर में भर्ती कराया गया है, जहां सभी का उपचार चल रहा है। घटना का कारण पुरानी रंजिश बताया जा रहा है। मुगरा बादशाहपुर थाना अध्यक्ष सदानंद राय ने बताया कि 2 माह पहले ढाबे पर मारपीट हुई थी, जिसके बदले में पुनः उन लोगों ने ढाबे पर पहुंचकर मारपीट किया। फिलहाल पुलिस घटना की जांच में जुटी हुई है, 2 संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। देश प्रदेश की खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।